नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से नमामि गंगे अभियान में भाग लेने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और जल के संबंध में जागरूकता के लिए 5 जून पर्यावरण दिवस से 18 जून गंगा दशहरा तक चलने वाले नमामि गंगे अभियान में प्रदेशवासियों से सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वृक्षों और जल से ही यह वसुधा समृद्ध है, यही जीवन का आधार है। अभियान के चलते जल संरक्षण पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जन भागीदारी से नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी की सफाई कर जन सामान्य में जल के प्रति चेतना बढ़ाने के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। जय माँ हर गंगे। हमारे यहाँ गंगा दशमी का पर्व इस वर्ष 16 जून को है और मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके 16 जून गंगा दशहरा तक विविध प्रकार के जल संरक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हमारे सभी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी इनकी साफ सफाई कराना, जन भागीदारी का हिस्सा बनाना और हम सब मिलाकर के जल चेतना का बड़ा काम करें, इस भाव के आधार पर ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। आइए हम सभी भारतीय त्योहारों पर्वों के आधार पर इनके पीछे रहस्यों को भी जानें और जल से संबंधित चेतना का काम मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। हर हर गंगे। पुरानी जेल पर होगी मतगणना, मंगलवार को सुबह से आएंगे परिणाम। मध्य प्रदेश लोकसभा निर्वाचन 2024 में 29 संसदीय क्षेत्रों की मतगणना 52 जिलों मुख्यालयों पर दिनांक 4/6/2024 को प्रातः 8 बजे से होगी। मतगणना के लिए सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है। तेज गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थल पर ठंडा पानी, कूलर, पंखे, मेडिकल किट, एम्बुलेंस, अग्निशमन यंत्र, फायर ब्रिगेड सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं और संसाधनों की व्यवस्था की गई है। आयोग के निर्देशानुसार बनाए गए कक्षों में EVM तथा पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। भोपाल में विशेष शिविरों में 28,000 से ज्यादा नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित। प्रत्येक हितग्राही को उसकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर नवाचार किए जा रहे हैं। नवाचारों के माध्यम से विगत 15 दिनों में 210 विशेष शिविरों में 28,000 से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य की विभिन्न सेवाओं से लाभान्वित किया गया है। शिविरों के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक भी किया गया, ताकि वे बीमारियों से बच सकें और लक्षणों की जल्द पहचान कर उपचार ले सकें। शिविरों को हितग्राहियों के सुविधाजनक समय एवं स्थान पर आयोजित किया गया। 21 जून से शुरू होगी 9वीं व 11वीं की पूरक परीक्षा। सरकारी स्कूलों की 9वीं व 11वीं की पूरक परीक्षा 21 जून से शुरू होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने पूरक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। जारी समय सारणी के अनुसार 11वीं की पूरक परीक्षा के सभी विषयों की परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 8 से 11 बजे तक रहेगा। वहीं 9वीं की परीक्षा 22 जून से शुरू होगी। प्रदेश भर में 9वीं व 11वीं में 11 लाख में से करीब 2.5 लाख विद्यार्थी फेल हुए हैं। वहीं दोनों कक्षाओं में करीब 82,000 विद्यार्थियों का पूरक आया है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना भी कॉलेजों में प्रवेश। उच्च शिक्षा UG कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को सरकार ने 2 सुविधा प्रदान की है। इसमें विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना भी कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा, उसे शपथ पत्र देना होगा। वहीं छात्र पहली बार में 5,000 रुपये जमा कर एडमिशन पक्का करवा सकेंगे, उसके बाद शेष राशि 3 किस्तों में जमा कर सकेंगे। प्रदेश में डिग्री कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में आड़े आ रहे स्थानांतरण पत्र के प्रावधान को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र छात्राओं को राहत दी है। प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 माह का समय देने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में प्रवेश प्रक्रिया के समय संबंधित छात्र छात्रा को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें 1 माह में आवश्यक अभिलेख जमा करने की शर्त होगी। उच्च शिक्षा विभाग की सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।